गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में गुदी गुदी नमन। आप सभी को प्रणाम। संयम और सदाचार हमारी प्राण ऊर्जा को संरक्षित करता है और संवर्धित करता है। आमतौर पर संयम और सदाचार को एक विवशता के रूप में जबरदस्ती थोपे गए जीवन क्रम के रूप में लिया जाता है। कई लोग तो इन्हें प्रवृत्तियों के दमन के रूप में समझते हैं और पूरी तरह से अवैज्ञानिक मानते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे लोग दोषी नहीं हैं, ना समझ हैं। दरअसल इन लोगों को प्राण ऊर्जा की प्रवाह की प्रकृति और उसमें आने वाली विकृति एवं इनके निदान निवारण की सूक्ष्म समझ नहीं है। ये जो भी कहते हैं अपनी नासमझी की वजह से कहते हैं। बात समझदारी की करें तो संयम प्राण ऊर्जा का संरक्षण करता है और सदाचार उसका ऊर्ध्वगमन करता है। ये दोनों ही तत्व नैतिक होने की अपेक्षा आध्यात्मिक अधिक हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अकेले प्राण ऊर्जा का संरक्षण पर्याप्त नहीं है, इसका ऊर्ध्वगमन होना भी जरूरी है। हालांकि अकेले संरक्षण हो तो भी व्यक्ति बीमार नहीं होता, पर यदि बात प्राण शक्ति से मानसिक सामर्थ्य के विकास की हो तो इसका ऊर्ध्वगमन भी होना चाहिए। आयुर्वेद में इस बात की गवाही दी गई है कि जिस भी व्यक्ति में प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो रहा है उसके स्नायु वज्र की भांति मजबूत हो जाते हैं, उसकी धारणा शक्ति असाधारण होती है, वो मनोबल व साहस का धनी होता है। इस सच्चाई को और अधिक व्यापक ढंग से जानना चाहें तो संयम का अर्थ है अपने जीवन की शक्तियों को बर्बादी को रोकना, बूंद बूंद करके उन्हें बचाना। इस प्रक्रिया में इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम व विचार संयम को प्रमुखता दी गई है। जहाँ तक सदाचार का प्रश्न है तो ये आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए किया जाने वाला आचरण है। ये किसी तरह की व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन के उच्च स्तरीय प्रयोजनों के प्रति आस्था है, जिनमें यह आस्था होती है वे शुरुआत में भले ही जड़ बुद्धि हो लेकिन बाद में प्रतिभावान हुए बिना नहीं रहते, उनकी मानसिक सामर्थ्य असाधारण रूप से विकसित होती है। अभी कुछ दिन पूर्व साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रयोग किया गया। ये दोनों ही विशिष्ट वैज्ञानिकों आर डेविडसन और पी एरिक्सन ने संपर्क किया। इस प्रयोग में उन्होंने 400 व्यक्तियों को लिया। इनमें से 200 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी अध्यात्म के प्रति आस्था थी, जो संयमित एवं सदाचारी जीवन जीते थे। इसके विपरीत 200 व्यक्ति इनमें से इस तरह के थे जिनका विश्वास भोग विलास में था, जो शराबखानों व जुआ घरों में अपना समय बिताते थे, जिनकी जीवन शैली अस्त व्यस्त थी। इन दोनों तरह के व्यक्तियों का उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति संयम सदाचार पूर्वक जीते हैं वे बीमार कम होते हैं, उनमें मानसिक उत्तेजना उद्वेग एवं आवेग बहुत कम होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः तनाव दुश्चिंता से मुक्त होते हैं। यदि इन्हें कोई बीमारी हुई भी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। चोट लगने पर या ऑपरेशन होने पर उनकी अपेक्षा इनके घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके विपरीत असंयमित एवं विलासी मनोभूमि वालों की स्थिति इनसे ठीक उल्टी पाई गई। इनकी जीवनी शक्ति नष्ट होती रहती है, इसके कारण इन्हें कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां हमेशा घेरे रहती हैं। छूत की बीमारियों की संभावना इनमें हमेशा बनी रहती है। तनाव दुश्चिंता उत्तेजना आवेग तो जैसे इनका स्वभाव ही होता है। कोई बीमारी होने पर अपेक्षाकृत ये ठीक जल्दी नहीं होते, एक ही बीमारी इन्हें बार बार घेरती रहती है। चोट लगने या ऑपरेशन होने पर इनके घाव भरने में ज़्यादा समय लगता है। इस स्थिति को एक दशक तक परखते रहने पर डेविडसन एवं एरिक्सन ने ये निष्कर्ष निकाला कि संयम सदाचार से व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता असाधारण रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण उनमें शारीरिक व मानसिक रोगों की संभावना कम रहती है।
यदि किसी तरह से कोई रोग हुआ तो भी इनसे छुटकारा जल्दी मिल जाता है। शिष्य ने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में इस सत्य की अनुभूति पाई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने तो केवल अपने संकल्प से अनगिनत लोगों को रोग मुक्त किया, पर अखंड ज्योति संस्थान के निवास काल में रोग निवारण की इस प्रक्रिया को वे थोड़े अलग ढंग से संपन्न करते थे। इसके लिए वे रोगी का पहना हुआ कपड़ा मांगते थे और उसके प्राणों के सूक्ष्म परमाणुओं का परीक्षण आध्यात्मिक रीति से करते थे। बाद में स्थिति के अनुरूप उसकी चिकित्सा करते थे। ऐसे ही एक बार उनके पास गुजरात के देवेश भाई ने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में उन्हें लिखा। ये रिश्तेदार कई बुरी आदतों का शिकार थे, हालांकि इनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। गुरुदेव ने देवेश भाई से इनका पहना हुआ कपड़ा मंगाया। कपड़े के आध्यात्मिक परीक्षण के बाद उन्होंने देवेश भाई को चिट्ठी लिखी कि तुम्हारे इन रिश्तेदार के जीवन के दिए का तेल चुक गया है और अब शीघ्र ही इनकी ज्योति बुझने वाली है। गुरुदेव के इस पत्र पर देवेश भाई को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये रिश्तेदार तो पर्याप्त स्वस्थ थे। देवेश भाई गुजरात की इस चिट्ठी को लेकर सीधे मथुरा पहुँचे। सामने मिलने पर भी गुरुदेव ने अपनी उन्हीं बातों को फिर से दोहराया। सभी को अचरज तो तब हुआ जब ये रिश्तेदार महोदय 15 दिनों बाद चल बसे। इस पर गुरुदेव ने उन्हें पत्र लिखकर कहा, यदि जीवन शैली बिल्कुल भी ना बची हो और संयम सदाचार की अवहेलना के कारण जीवन के पात्र में छेद ही छेद हैं, तो आध्यात्मिक चिकित्सा असंभव है। आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाना बेहद जरूरी है। इसीलिए सदाचारी जीवन जीना, संयमित जीवन जीना साधकों के लिए अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही।